हेलो एवरीवन, आई एम शिखा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक सी अर्चिन का डेवलपमेंट। सी अर्चिन के डेवलपमेंट में क्वेश्चंस सीएसआईआर नेट जेआरएफ में फर्टिलाइजेशन से एंड उसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से आता है। सो हम पढ़ेंगे सी अर्चिन का फर्टिलाइजेशन। सी अर्चिन एक स्पिनी ग्लोबुलर शेप्ड मैराइन इकाइनोडर्मेटा है एंड सी अर्चिन का फर्टिलाइजेशन सी में होता है, आउटसाइड द बॉडी होता है, एक्सटर्नल होता है सी अर्चिन का फर्टिलाइजेशन एंड उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सो हम पढ़ेंगे सी अर्चिन का फर्टिलाइजेशन सी में, वाटर में कैसे हुआ। सी अर्चिन की टेस्टीज में पीएच 7.2 होता है। जब तक स्पर्म टेस्टीज में रहता है वो 7.2 पीएच में रहता है, बट जैसे ही स्पर्म वाटर में आया, वाटर का पीएच था 7.6। वाटर में आने की वजह से पीएच चेंज हुआ। पीएच चेंज होने की वजह से स्पर्म्स में डायनेनिन एटीपीएस था, वो एक्टिव हो गया एंड उसके एक्टिव होने की वजह से स्पर्म में मोबिलिटी आ गई। इट मींस जब स्पर्म्स बॉडी से आए वो मोबाइल नहीं थे, वो नॉन मोबाइल थे, बट जैसे ही पीएच चेंज होने की वजह से डायनेनिन एटीपीएस एक्टिव हुआ, जिसकी वजह से स्पर्म मोबाइल हुए। बट अभी तक स्पर्म डायरेक्शन लेस थे, उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं थी कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है। ओके, अब ये हमारा एग था। एग भी हमारा कहाँ प्रेजेंट है? सी में प्रेजेंट है, वाटर में प्रेजेंट है। एग जो है वो सराउंडेड है एग जेली से। एक जेली होती है, उससे हमारा एग सराउंडेड है। ये जेली, इससे हमारा एग सराउंडेड है। ये है हमारी एग जेली। एग जेली सेम होती है जैसे ह्यूमन एग में क्यूमलस लेयर होती है। एग जेली, फर्स्ट तो एग जेली बहुत डिस्टेस्टफुल होती है, जिसकी वजह से प्रीडेटर्स एग को कुछ नहीं कर पाते। सेकंड, एग जेली का एडवांटेज एक ये भी होता है, एग जेली थिक होती है, जिसकी वजह से एग्स वाटर से मूव नहीं कर पाते, कहीं पे वाटर से कहीं पे लॉस नहीं होते। थर्ड, एग जेली स्पर्म्स को डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, बिकॉज यहाँ पे हमारे स्पर्म मोबाइल तो है बट उनको डायरेक्शन नहीं पता कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाके एग को फर्टिलाइज करना है। सो एग जेली स्पर्म्स को डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। कैसे प्रोवाइड करती है वो डायरेक्शन? एग जेली एक मॉलिक्यूल सिक्रीट करती है जिसका नाम है रीसेट। एग जेली एक मॉलिक्यूल सिक्रीट करती है, दैट इज रीसेट। रीसेट एक 14 अमाइनो एसिड का पेप्टाइड है, 14 अमाइनो एसिड का पेप्टाइड है, जो कि एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाता है। जहां पे एग होगा वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा, वो ऐसे करके कहां पहुंच जाएगा? जहां पे हमारा स्पर्म है वहां पहुंच जाएगा। एंड स्पर्म की हेड पे, ये जो है ये है हमारा हेड ऑफ स्पर्म, जस्ट लाइक यहां पे हेड ऑफ स्पर्म। स्पर्म के हेड पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट है, दैट इज रिसेप्टर ऑफ ग्यूनाइल साइक्लेस। रिसेप्टर ऑफ ग्यूनाइल साइक्लेस पे ये रीसेट बाइंड होता है। 14 अमाइनो एसिड का रीसेट रिसेप्टर ऑफ ग्यूनाइल साइक्लेस पे बाइंड होता है। अब यहां पे हमारा स्पीसीज स्पेसिफिकेशन डेवलप होता है। इट मींस किसी और स्पीसीज का रीसेट इफ किसी और स्पर्म के हेड के रिसेप्टर पे बाइंड होगा तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट है जहां पे हमारा स्पीसीज का स्पेसिफिकेशन डेवलप होता है। सेम स्पीसीज का स्पर्म ही सेम स्पीसीज के एग को फर्टिलाइज करेगा। सो इफ सेम स्पीसीज के हैं एग एंड स्पर्म, तो ये रीसेट बाइंड होता है। रीसेट के बाइंड होने की वजह से जीटीपी साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट होता है। वो साइक्लिक जीएमपी पीकेजी को एक्टिव करता है एंड ये पीकेजी रिस्पॉन्सिबल होता है कैल्शियम चैनल को ओपन करने के लिए। पीकेजी रिस्पॉन्सिबल होता है कैल्शियम चैनल को ओपन करने के लिए। सो हमारा कैल्शियम चैनल ओपन हो गया। जैसे ही हमारा कैल्शियम चैनल ओपन हुआ, तो कैल्शियम चैनल के ओपन होते ही स्पर्म ने फॉलो किया कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस इज अ स्पर्म ने फॉलो किया कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस मींस स्पर्म अब रीसेट के ग्रेडियंट को फॉलो करेंगे फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन और एग तक पहुंच जाएंगे।
सो मींस अब स्पर्म्स को डायरेक्शन मिल गई है कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है. अब तक उनके पास डायरेक्शन नहीं थी, अभी सिर्फ वो मोबाइल हुए थे. अब उनको डायरेक्शन में मिल गई है कि उन्हें किस डायरेक्शन में एग तक जाना है. एक तरीके से रिसेट एक स्पर्म अट्रैक्टिंग पेप्टाइड है. स्पर्म अट्रैक्टिंग पेप्टाइड है. रिसेट इज अ स्पर्म अट्रैक्टिंग पेप्टाइड. इसको स्पर्म अट्रैक्टिंग पेप्टाइड के साथ साथ स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड भी बोलते हैं. स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड क्यों? बिकॉज ये स्पर्म्स को एक्टिव भी कर देती है, उनका रेस्पिरेशन इंक्रीज कर देती है, वो ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, वो मोर एक्टिव हो जाते हैं. तो रिसेट इज अ स्पर्म अट्रैक्टिंग पेप्टाइड एंड स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड. तो यहां तक ये जो स्पर्म्स थे ये कहां पहुंच गए? ये हमारे एग के पास पहुंच गए. अब नेक्स्ट स्टेप आता है, स्पर्म्स पहुंच गए एग के पास. अब वो एग को फर्टिलाइज करेंगे. उसके लिए उन्हें डिफरेंट मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करना होगा. सो जो एग होता है, दिस इज अ एग. एग में हमारी उलेमा होती है, वेटिलिन मेम्ब्रेन होती है एंड देन एग जेली होती है. एग जेली इज द सेम एज क्यूमुलस लेयर, देन वेटिलिन मेम्ब्रेन एंड उलेमा. सो फर्स्ट उसको एग जेली को क्रॉस करना होगा, देन वेटिलिन मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होगा. जब जाके वो उलेमा तक पहुंचेगा, एग तक पहुंचेगा एंड फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा. सो फर्स्ट आता है कि स्पर्म कैसे इंटरेक्ट करता है एग जेली से. सो क्या होता है, दिस इज अ स्पर्म हेड. ये हमारा स्पर्म का हेड है. स्पर्म हेड पहुंच चुका है एग के पास. अब क्या होता है, एग जेली में एक कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, दैट इज फ्यूकोस सल्फेट. एग जेली के हेड पे, एग जेली में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, एक लाइगेंड प्रेजेंट होता है जो कि ऑलरेडी अटैच्ड लाइगेंड है, दैट इज फ्यूकोस सल्फेट. फ्यूकोस सल्फेट के लिए जो रिसेप्टर है वो स्पर्म के हेड पे प्रेजेंट होता है. स्पर्म के हेड पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जो कि हमारा कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर है, जो कि हमारा कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर है. स्पर्म के हेड पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर, और ये फ्यूकोस सल्फेट को रिकॉग्नाइज करता है. अब फर्स्ट स्पीसीज स्पेसिफिकेशन कहाँ आया था? जब रिसेप्ट आया था कि सेम स्पीसीज के हैं या नहीं है. अब फिर से क्रॉस चेक होगा. यहां पे आता है सेकेंड स्पीसीज स्पेसिफिकेशन. स्पर्म के हेड पे जो हमारा रिसेप्टर है वो हमारा एक स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट को ही रिकॉग्नाइज करेगा सेम स्पीसीज के. इफ डिफरेंट स्पीसीज का कार्बोहाइड्रेट हुआ तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, वो उसको क्रॉस कर देगा, वहां फर्टिलाइजेशन आगे नहीं जाएगा. इसमें क्या था, दोनों सेम स्पीसीज के थे. सो यहाँ पे रिसेप्टर ने फ्यूकोस सल्फेट को रिकॉग्नाइज किया और रिसेप्टर एक्टिव हो गया. जब रिसेप्टर एक्टिव हो गया तो थ्री इवेंट हुए. थ्री इवेंट क्या हुए, एक तो कैल्शियम चैनल ओपन हो गया और कैल्शियम आयंस कहाँ आने लगे, स्पर्म के हेड में एंट्री करने लगे. फर्स्ट क्या हुआ, कैल्शियम चैनल ओपन हुआ. सेकेंड क्या हुआ, NHE ओपन हो गया. NHE इज सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज. सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज ओपन हो गया. सोडियम, वन सोडियम ने एंट्री लिया एंड वन हाइड्रोजन ने एग्जिट लिया. तो सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज ओपन हो गया. नेक्स्ट एक्टिवेट हुआ थर्ड स्टेप, PLC. थर्ड इवेंट इज PLC. PLC एक्टिवेट हुआ. PLC ने PIP2 को एक्टिवेट किया. PIP2 ने IP3 को एक्टिवेट किया. एंड आप सब जानते हैं IP3 का क्या फंक्शन होता है. IP3 ने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टिमुलेट किया कि वो कैल्शियम का रिलीज करे. सो इट मींस एक तो एक्सटर्नल वे से कैल्शियम आ रहा है, एक हमारा इंटरनल वे से भी कैल्शियम आ रहा है. इन तीनों इवेंट ने एल्कलाइन कंडीशन डेवलप कर दिया. और उस एल्कलाइन कंडीशन की वजह से एक्रोसोमल रिएक्शन हो गई. एक्रोसोमल रिएक्शन, यहाँ पे हमारा एक्रोसोम प्रेजेंट था स्पर्म के हेड में. जब स्पर्म के हेड में एक्रोसोम प्रेजेंट था, एक्रोसोमल रिएक्शन हुई एंड एग जेली को उसने डाइजेस्ट कर दिया. सो यहाँ पे हमारा एग जेली रिमूव हो गई, हमारा एक बैरियर खत्म हो गया, दैट इज एग जेली. हमारी एक्रोसोमल रिएक्शन हो गई, एक्रोसोम रिमूव हो गया. एक्रोसोम के रिमूव होने की वजह से एग जेली डाइजेस्ट हो गई. अब जब एक्रोसोम रिमूव हुआ, सो कैल्शियम कंसंट्रेशन ऑलरेडी इंक्रीज थी स्पर्म में, तो वो कैल्शियम कंसंट्रेशन यहाँ भी इंक्रीज हो गई. कैल्शियम यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी इंक्रीज हो गई कैल्शियम कंसंट्रेशन. जब कैल्शियम कंसंट्रेशन यहाँ इंक्रीज हो गई तो स्पर्म में रो बी एक्टिन एंड बिंडन प्रेजेंट. सो कैल्शियम आने की वजह से, कैल्शियम आयन का इंक्रीमेंट होने की वजह से यहाँ पे रो भी एक्टिवेट हो गया.
रो बी एक्टिवेट हो गया। जब हमारा रो बी एक्टिवेट हुआ तो रो बी ने एक्टिन से बाइंड किया और एक्टिन को स्टिमुलेट किया कि वो एक फिलामेंट बना ले। तो हमारा एक्टिन ने एक फिलामेंट बना लिया और बिंडिन उस पर अटैच हो गया सो एक्रोसोमल रिएक्शन हुई। एक्रोसोमल रिएक्शन होने के बाद कैल्शियम आयन ऑलरेडी इंक्रीज हो गया था स्पर्म में, जिसकी वजह से रो बी एक्टिवेट हुआ एंड रो बी ने स्टिमुलेट किया, बाइंड किया किसको, एक्टिन को, कि वो एक फ्लामेंट फॉर्म कर ले। जब एक्टिन फ्लामेंट फॉर्म हुआ उस पर बिंडिन अटैच हो गया। सो अब जो स्पर्म था वो इस स्ट्रक्चर में आ गया। अब सेकेंड टास्क आता है वाइटलिंग मेम्ब्रेन। एग जल्दी वो क्रॉस कर चुका है, अब वाइटलिंग मेम्ब्रेन क्रॉस कर लेगा तो वो फ्यूज हो जाएगा उलेमा में, एग में फ्यूज हो जाएगा एंड फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब क्या हुआ, अब हमारा जब ये स्पर्म ऐसे आया तो अब वाइटलिंग मेम्ब्रेन से स्पर्म कैसे इंटरेक्ट करता है। वाइटलिंग मेम्ब्रेन दैट इज उलेमा एंड दैट इज वाइटलिंग मेम्ब्रेन। सो वाइटलिंग मेम्ब्रेन में एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, दैट इज ईआरबी रिसेप्टर, दैट इज ईआरबी फर्स्ट रिसेप्टर। ईआरबी फर्स्ट रिसेप्टर रिकॉग्नाइज करता है बिंडिन को, जो कि फ्लामेंट के ऊपर बिंडिन अटैच्ड है, उसको रिकॉग्नाइज करता है। सो थर्ड स्पीसीज स्पेसिफिकेशन हुआ जब बिंडिन का रिकॉग्निशन हुआ। फर्स्ट कहाँ हुआ था, फर्स्ट हुआ था हमारा जब रिसेप्ट आया था और वो बाइंड हुआ था स्पर्म से। सेकेंड कहाँ हुआ था, सेकेंड हुआ था हमारा जब फ्यूकोसल्फेट बाइंड हुए थे फ्यूकोसल्फेट रिसेप्टर से। थर्ड कहाँ हुआ, थर्ड हमारा हुआ जब ईआरबी फर्स्ट बाइंड हुआ बिंडिन से। सो ईआरबी फर्स्ट सेम स्पीसीज का, इफ सेम स्पीसीज के स्पर्म की बिंडिंग से बाइंड होगा तो हमारा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, अदरवाइज वो उसको कैंसिल कर देगा, फर्टिलाइजेशन को स्टॉप कर देगा। सो ईआरबी फर्स्ट बाइंड हुआ बिंडिन से, जब ये से बाइंड हुआ तो इसने क्रॉस कर लिया वाइटलिंग मेम्ब्रेन को एंड ये फ्यूज हो गया उलेमा में एंड देन फर्टिलाइजेशन हो गया। ये हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया। जैसे ही हमारा फर्टिलाइजेशन हुआ स्पर्म्स का एग में, वैसे ही हमारा फास्ट ब्लॉक एंड स्लो ब्लॉक एक्टिव हो जाते हैं। फास्ट ब्लॉक एंड स्लो ब्लॉक इसलिए जिससे कि पॉलीस्पर्मिया कंडीशन ना डेवलप हो जाए। इट मींस एक एग को मोर देन वन स्पर्म फर्टिलाइज ना कर दे। फास्ट ब्लॉक एंड स्लो ब्लॉक डेवलप हो जाते हैं। फास्ट ब्लॉक विद इन 10 सेकेंड होता है एंड स्लो ब्लॉक 10 सेकेंड के बाद होता है, आफ्टर 10 सेकेंड होता है। सो क्या होता है, फास्ट ब्लॉक में सोडियम आयन्स एग के अंदर एंट्री करना शुरू कर देते हैं। सोडियम आयन चैनल ओपन हो जाता है एग के लिए। अब सोडियम आयन चैनल ओपन हो गया तो हमारा एग डीपोलराइज हो जाता है। डीपोलराइज हो जाता है जिसकी वजह से अब एग फिर से और फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, एग और स्पर्म्स को एंट्री नहीं दे सकता। सेकेंड होता है स्लो ब्लॉक। फास्ट ब्लॉक में सोडियम चैनल ओपन हुआ, इसमें एग में। नेक्स्ट आता है स्लो ब्लॉक। स्लो ब्लॉक में कैल्शियम लेवल इंक्रीज जाता है एग में। स्पर्म कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर देते हैं एग में। अब एग में कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो गया एंड सोडियम लेवल इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से एग डीपोलराइज हो गया। अब आके कोई फर्टिलाइजेशन एग में नहीं होगा। दीज आर द फास्ट ब्लॉक एंड स्लो ब्लॉक, जो कि जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं। फास्ट ब्लॉक विद इन 10 सेकेंड हो जाता है, इसी वजह से उसको फास्ट ब्लॉक बोला, बिकॉज ये बहुत फास्ट हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एंड स्लो ब्लॉक आफ्टर 10 to 20 सेकेंड स्लो ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। फास्ट ब्लॉक में सोडियम चैनल ओपन हुए, एग ने खुद किया फास्ट ब्लॉक, बट स्लो ब्लॉक स्पर्म करता है। स्लो ब्लॉक में स्पर्म एग में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर देता है। सोडियम लेवल खुद इंक्रीज हुआ है फास्ट ब्लॉक में। स्लो ब्लॉक में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है स्पर्म, जिसकी वजह से वो अगेन डीपोलराइज हो जाता है एंड आगे फर्टिलाइजेशन नहीं होता। वो नहीं अलाउ करता फर्टिलाइजेशन के लिए एग दूसरे स्पर्म्स को। सो इसके स्टेप्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ हमारा सी अर्चिन में, फर्स्ट स्पर्म मोबाइल हुआ, फिर स्पर्म एक्टिवेट हुआ, उसको डायरेक्शन मिली, देन उसने एग जेली को, एग जेली के रिसेप्टर से बाइंड हुआ, एग जेली को क्रॉस करने के लिए उसने एक्रोसोमल प्रोसेस किया,
देन एक्रोसोमल प्रोसेस करने के बाद उसमें एक्टिन फिलामेंट बना, उस पर बिंडिन थे, बिंडिन ने बाइंड हुआ वाइटिलिन मेम्ब्रेन रिसेप्टर से एंड देन वो वाइटिलिन मेम्ब्रेन को क्रॉस करते ही फ्यूज हो गया टू उलेमा, फ्यूज हो गया टू एग. सो यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया. सो ऐसे हमारा फर्टिलाइजेशन होता है सी अर्चिन में, जो कि पूरा एक्सटर्नल प्रोसेस हो रहा है, वाटर में हो रहा है. सो ये था हमारा सी अर्चिन का फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे हो रहा है. सी अर्चिन में आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कौन कौन से क्लीवेज आ रहे हैं, क्या क्या स्टेजेस आ रहे हैं. सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू.